हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आपका दोस्त और आपका होस्ट, आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हो ओप्पो A3s मोबाइल, तो ओप्पो A3s मोबाइल के आप डिफरेंस तरह की लुक्स दे सकते हो, ठीक है। मतलब स्टाइलिश लुक आप दे सकते हो, आप अपना मोबाइल में थीम को चेंज कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और कलर वेस 6 जैसा थीम मैंने सेट करके ओप्पो A3s मोबाइल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर नया आ चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओप्पो A3s मोबाइल का थीम आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे आप कलर वेस 6 जैसा थीम आप ला सकते हो, देख लीजिए। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल का जो सेटिंग्स है फास्ट आप खोल लीजिए, और सेटिंग्स खोलने के बाद आप यहाँ से नीचे की तरफ जाइए और देख लीजिए सिस्टम ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। आप क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से देख लीजिए कि थीम स्टोर का ऑप्शन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में देखिए मैसेज नोटिफिकेशंस को एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये अगर ऑफ है तो इसे इनेबल कर लीजिए। तो इनेबल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चेक फॉर अपडेट्स, यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि आपका जो थीम स्टोर है अपडेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखिए चेकिंग हो रहा है, आप चेकिंग हो चुका है। देखिए योर भाषा इज ऑलरेडी अप टू डेट, ओके। तो यहाँ से आप वापस आना होगा, तो वापस आ जाइए। और वापस आ जाने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में देखिए थीम स्टोर का जो एप्लीकेशन है कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो इसे आप प्रेस करके डालना होगा, ऐसे थोड़ी देर तक प्रेस करके डालने के बाद यहाँ पर जो ऐप इन्फो जो लिखा हुआ है यहाँ पर करिए प्रेस। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऊपर में देखिए स्टोरेज यूसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। आप दोस्तों क्लिक कर देने के बाद यहाँ से जो कैश मेमोरी है वो क्लियर कर लेना होगा। लास्ट में देखिए क्लियर कैश, तो यहाँ पर करिए क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप दोस्तों क्लियर हो चुका है। आप यहाँ से वापस आ जाइए, तो वापस आ जाने के बाद आपका जो थीम स्टोर है वो खोल लीजिए, यहाँ पर करिए क्लिक। और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से ओके में करना होगा क्लिक, तो ओके में कर दिया क्लिक। आप दोस्तों आपका जो थीम स्टोर है वो खुल चुका है। आप देखिए यहाँ से आप डिफरेंट तरह की जो थीम है वो अपना मोबाइल में लगा सकते हो, सेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कलर वेस 6 जैसा थीम सेट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक, जैसे ये यहाँ पर करिए क्लिक। और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आप ऊपर में प्रीव्यू देख सकते हो, मतलब आपका जो मोबाइल आप कैसा दिखेगा सेट करने के बाद, ठीक है। तो इसका जो आइकॉन है कैसा शो होगा ये भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। देखिए इसके लिए कलर वेस 6 जैसा थीम लाने के लिए आपको ये वाला चूज करना होगा OS X, ठीक है, OS X। तो यहाँ पर कर दीजिए क्लिक, सिंपल OS X। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करने कर लेना होगा, तो चलिए यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर कर दीजिए क्लिक, आप दोस्तों डाउनलोडिंग हो रहा है। आप देखिए दोस्तों आप ये जो वीडियो है पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में अपना जो मोबाइल में जो था क्या इसे फिर से वापस ला सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए अपना जो लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, आइकॉन्स को चेंज कर सकते हो, और होम स्क्रीन वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो। मतलब होम स्क्रीन के जो वॉलपेपर है आपका मोबाइल में वो चेंज होकर ऐसा जो ब्लू कलर की है वो हो जाएगा, लेकिन मैं मेरा जो मोबाइल में जो होम स्क्रीन जो है वो रहने देता हूँ, चेंज करना नहीं चाहता हूँ, तो इसके लिए इसे अनचेक कर दिया। आप देखिए क्या करना होगा, अप्लाई में कर देना होगा क्लिक। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई में, तो क्लिक कर दिया। आप दोस्तों आप अपना जो लॉक स्क्रीन का जो मैगजीन है दोस्तों, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो कीप में कर दीजिए क्लिक, अगर करना चाहते हो तो डोंट कीप, ठीक है, मतलब ये कीप करके नहीं रखेगा, ओके। तो डोंट कीप में मैं कर देता हूँ क्लिक यहाँ पर। तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ये अप्लाइंग हो रहा है और हो जाएगा, देखिए ये हो चुका है। और देखिए मेरा जो मोबाइल का जो है दोस्तों ये डिफरेंट लुक हो चुका है, मतलब मेरा जो आइकॉन था मोबाइल के जो आइकॉन्स वो चेंज हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हो, मतलब स्टाइलिश हो चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे चेंज कर सकते हो, कलर वेस 6 जैसा थीम आप ला सकते हो। और दोस्तों कैसे आप फिर से अपना जो मोबाइल में जो था वापस ला सकते हो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए आप फिर से जाइए अपना जो थीम स्टोर है यहाँ पर है, तो थीम स्टोर भी देखिए चेंज हो चुका है, ठीक है, जो लुक्स है यहाँ पर कर दीजिए क्लिक दोस्तों। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर दीजिए क्लिक, और क्या करना होगा यहाँ पर जो मी यहाँ पर कर दीजिए क्लिक, वापस लाने के लिए अपना जो था फिर से वैसा हो जाएगा। और यहाँ पर जो माई थीम्स यहाँ पर कर दीजिए क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो अप्लाई है इसे क्लिक कर दीजिए, मतलब आपका जो डिफॉल्ट थीम है, ठीक है। तो अप्लाइंग हो रहा है, तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में देखिए यहाँ से अप्लाई हो चुका है, मतलब आपका जो डिफॉल्ट मोड जो था वो ऑन हो चुका है, आपका मोबाइल में पहला जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।